दोस्तों हमारी के दुनिया काफी खूबसूरत है, बस देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। और हमारी इस दुनिया को खूबसूरत बनाया है इन तरह तरह के रंगों ने। इन सभी रंगों में एक ऐसा रंग भी है जो इनमें सबसे खास है। उस रंग को हम काले रंग के नाम से जानते हैं। इस काले रंग की वजह से खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस खूबसूरत दुनिया में तरह तरह के खूबसूरत जानवर भी रहते हैं, और उन जानवरों के बीच पूरी तरह से काले रंग के जानवर भी रहते हैं जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत सूरत लगते हैं। साथ ही इनमें से कुछ जानवर काफी खतरनाक भी होते हैं। ये काला रंग इनके लिए वरदान भी होता है और अभिशाप भी। आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जानेंगे जो पूरी तरह से काले रंग के होते हैं। यदि हम इस बात पर चर्चा करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा जानवरों के रंग सफेद या फिर काले रंग के ही क्यों होते हैं, तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि यह सब एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। एवोल्यूशन की वजह से प्रकृति में आज जो जानवर जीवित बचे हैं, वो उसके खान पान उसके शरीर की अनेक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित है, और उन्ही में से एक इनके शरीर का रंग भी होता है। जो जानवर जिस रंग में सर्वाइव कर सकता है, वो रंग इन्हें प्रकृति द्वारा मिला हुआ है। सफेद और काला रंग प्रकृति में बेहद सामान्य रंग है, क्योंकि किसी भी रंग की शुरुआत काले या फिर सफेद रंग से ही होती है, और वह खत्म भी इसी रंग पे होती है। जब कुछ जानवर अपने आप को सफेद और काले रंग में जीवित रख पा रहे हैं, तब यह रंग इनके शरीर का मुख्य रंग बन जाता है। लेकिन इनके इस कॉमन रंग से अलग कभी कभार कुछ जानवरों में ये रंग कुछ ज्यादा ही या फिर बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिससे कि कुछ जानवर तो बेहद ही काले होते हैं तो कुछ जानवर बहुत ही ज्यादा सफेद। और यह सब होता है इनके शरीर में पाए जाने वाले एक पिगमेंट जो कि है मेलनिन की वजह से। इस पिगमेंट की वजह से जानवरों के शरीर के रंग में बदलाव हमें देखने को मिलता है। वैसे तो अलग अलग जानवरों के रंग का पिगमेंट अलग ही होता है। मेलनिन पिगमेंट जानवरों में काले रंग और सफेद रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इस पिगमेंट की मात्रा किसी जानवर में बहुत ही ज्यादा होती है, तब वो काले रंग का होता है, और अगर वो बहुत ही कम है तो फिर वो सफेद रंग का दिखाई पड़ता है। एक तरह से आप इसे बीमारी भी कह सकते हैं, और यह बीमारी इन जानवरों के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। ब्लैक स्नेक या फिर काला सांप। इस सांप के बारे में तो आप सभी को जरूर ही मालूम होगा। ये सांप किसी भी प्रजाति का हो सकता है। जब किसी भी सांप में ब्लैक पिगमेंट की मात्रा काफी बढ़ जाती है, तब वो सांप काला रंग का हो जाता है। उसका शरीर काले रंग का होता है। और दोस्तों सांप तो पहले ही डरावने होते हैं, तो फिर ये काला रंग चढ़ जाने के बाद वो और भी ज्यादा डरावने बन जाते हैं। वैसे इनके जहर का इनके रंग से कोई फासला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सांप काला है तब उसका जहर कुछ ज्यादा ही असर करेगा। कोई आप कितना खतरनाक है ये उसकी प्रजाति पर निर्भर करता है, ना कि उसके कलर पर। ब्लैक टाइगर और ब्लैक लायन। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या कोई टाइगर या फिर शेर काले रंग का भी होता है। वैसे हम आपको बता दें कि काले रंग के शेर इस दुनिया में नहीं रहते। काले रंग के शेर दुनिया में होते ही नहीं है। जो फोटोज आप देख रहे हो, ये किसी इंसान द्वारा कंप्यूटर की मदद से एडिट की गई है। आप इनकी असली फोटोज फेक तस्वीरों के साथ भी देख सकते हैं। और रही बात ब्लैक टाइगर की, तो वो होता है। कभी कभार ब्लैक टाइगर में पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाने की वजह से वो काले दिखाई देते हैं। ऐसा इनमें तब होता है जब इनकी धारियों की मोटाई काफी बढ़ जाती है, और जब इनके शरीर पर बड़े बड़े काले रंग के धारियां होती है, तब ये काले रंग के दिखने लग जाते हैं। ये कोई अलग प्रजाति नहीं है, ये एक तरह से बंगाल टाइगर ही होते हैं। ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर बिल्ली प्रजाति से ताल्लुक रखता है, और बिल्लियों में ये एक लौता ऐसा जीव है जो प्राकृतिक तौर पर पूरे काले रंग का होता है। बहुत से लोग किसी भी तेंदुए को देखकर यह बोल देते हैं कि ये पैंथर है, लेकिन दरअसल पैंथर जो होते हैं वो काले रंग का होता है। और पैंथर हम किसी काले जैगुआर या फिर काले तेंदुए को ही कह सकते हैं। यदि आपको कोई ब्लैक पैंथर एशिया या फिर अफ्रीका महाद्वीप में दिखाई देता है, तो वो एक तेंदुआ है। लेकिन अगर वो साउथ अमेरिका में आपको दिखाई देता है, तो वो एक जैगुआर होता है। ब्लैक पैंथर एक बहुत ही खतरनाक किस्म का शिकारी जानवर होता है। ये अक्सर रात के समय ही शिकार करते हैं, क्योंकि रात में इनके काले रंग की वजह से इन्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाता।
ब्लैक वुल्फ या फिर काला भेड़िया। वैसे तो ये ग्रे रंग के भेड़िए होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ब्लैक पिगमेंट की वजह से इनके रंगों में हमें बदलाव देखने को मिलता है, तो इन कुछ भेड़ियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। काले रंग के ये भेड़िए सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। दिखने में ये भेड़िए बहुत ही खतरनाक और डरावने लगते हैं। ये काला रंग इन्हें शिकार करने में तो मदद करता ही है, लेकिन कभी कभार बर्फीले इलाकों में ये काला रंग इनकी मुसीबत भी बन जाता है, क्योंकि दूसरे जानवरों को ये बड़े ही आसानी से सफेद बर्फ में दिख जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में ये काला रंग इनके लिए वरदान साबित होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।